हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स, देख सकते हैं आप चौकट लेवल में काम हो चुका है और ऊपर का फर्मा भी लगा दिया है। अब इसको भरेंगे और देख सकते हैं सामने से व्यू कैसे आ रहा है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, देख सकते हैं नज़दीक से फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया आई। तो मटेरियल का रेशियो हमने रखा है इसमें 20 रेती और 8 खड़ी का, तभी अच्छा रेशियो आ रहा है। पहले हमने 16-12 का भी रेशियो किया, 16-14 किया, बाद में 20 रेती और 8 खड़ी रखा, तो अच्छा रेशियो आ रहा है। अभी एक टोकरी इसमें हमने खड़ी का और बढ़ा दिया है, देखेंगे इसमें कैसा रिजल्ट आता है। 20 टोकरी रेती का और 9 खड़ी का रखा है और 1 सीमेंट बैग रखा है इसमें, ये डेपो में, तो इसमें डालेंगे, उसका रिज़ल्ट समझेंगे अपने को आगे। पर ये 20 रेती और 8 खड़ी का जो है ये रिज़ल्ट देख रहे हैं आप सामने हैं इस तरह से, और इसे इस लकड़ी की सहायता से इस तरह से ठासना होता है, तो ये लकड़ी हमने इसमें यूज किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये देख सकते हैं नट बोल्ट कितने लगाए, 1, 2, 3, 4 के सेंटर में एक लगा है, तो ऐसे 6-8 नट बोल्ट लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नट बोल्ट लगा है। और इस तरह से इसमें पाइप लगाया जाता है, इसमें से ये जो नट रहता है स्टड निकल जाता है, ये देख सकते हैं ये वाला नट निकाल जाता है, इस नली से आराम से निकल जाता है। तो ये 15 सेंटीमीटर का पाइप है, फिटिंग पाइप्स देख सकते हैं, इसमें से आर पार होल रहता है, ये निकल जाता है। तो 15 सेंटीमीटर कोने से इसमें से जो स्टड है 8 इंच का, ये 5 इंच का बीच में दीवार लाया है और ये स्टड निकल जाते हैं और बाद में नट बोल्ट खोल के से निकाल के और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो आगे जो अभी जो इसके ऊपर रचेंगे तो यहाँ इसका नली लगाएंगे, 3 नली एक्स्ट्रा लगेंगी मगर 5-5 इंच की, मगर हाइट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये नट जो देख रहे हैं इस जगह भी आ सकता था मगर इतना हाइट कम हो जा रहा था 2-3 इंच का, तो इसकी वजह से एक नली का इसमें पीस गया तो चलता है, 3 पीस चल जाते एक्स्ट्रा मगर हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो आप नली बचाना चाहते हैं पाइप्स तो ये नट इस जगह भी लगा सकते हैं, तो ये पूरा 3 जगह आएगा, ये 2 और ये 3, और ये नट इस जगह भी ले सकते हो। ये प्लाउड की हाइट नीचे आ जाएगी, ये प्लाउड नीचे आ जाएगा मगर आपको हाइट ऊपर कम मिल पाएगी, इसके वजह से मैंने 3 नली एक्स्ट्रा गए हैं मगर पीस इसमें 5-5 इंच के एक्स्ट्रा गए हैं मगर हाइट इसकी इंक्रीज होने वाली है। तो देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग में काम हो रहा है। तो ये ऐसा 12 फीट है और उस जगह से उस जगह तक वो 10 फीट, 10 बाय 12 का रूम है, ऐसा ही 12 फीट है, तो 8 फुट का ऊँटा है आगे, तो 8 फीट का ऊँटा है। और ये अभी तीसरा स्टेप हमारा, 5वीं स्टेप में तक घर कंप्लीट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेट में ऊपर तक चले जाएगा। तो आगे बताएंगे आपको किस तरह से करना है। तो इस पर भी पानी मारना बाकी है, कुछ मटेरियल भी पेस्ट बनाना है, तो इसके बाद में भरने के बाद में आपको बताएंगे। हेलो व्यूअर्स, आज ये काम हो गया है, कल ये 2 फर्मा भरा है देख सकते हैं, और आज इसको भरा है, शाम को इसको ये फाइनल करेंगे। तो फिर अपना सीमेंट बैग भी ख़त्म हो जा रहा है, अभी 3 बैग पड़ा है, तो कल फाइनल हो जाएगा, कल से परसों से कलर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कल खिड़की का, परसों खिड़की का करेंगे, आज देख सकते हैं इतना काम हो चुका है। अभी अपना घर धीरे धीरे आकार लेने लगा है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। तो अभी फर्मा, 2-2 फर्मा एक के ऊपर एक कल ही चढ़ा दिए थे और कल इधर चढ़ाएंगे और ये साइड का भी काम कम्प्लीट हो जाएगा कल, तो ये काम चल रहा है ऐसा। तो अभी कल ये साइड कंप्लीट करेंगे पूरा और फिर विंडो की तरफ जाएंगे, उसका भी कंप्लीट करेंगे। तो एक बैग में एक स्टेप होता है 2 फुट का, 2 बाय 8 का, तो उसमें 20 टोकरी रेती लगता है, एक बैग सीमेंट और 8 इसमें खड़ी लगता है, तो 2 बाय 8 का इसमें ये पूरा स्टेप हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।